तो राजा भैया तो देखने में भी हाथी जैसा लग रहा है, ताकत भी इसकी तो हाथी जैसी, कितनी बढ़िया तरीके से काम करा इसने। सर 10 HP का है तो हाथी जितनी ही ताकत रहेगी, मेरे किसान भाई यूज करेंगे तो उनको भी इसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आ गया हूं अहमदगढ़ लुधियाना राजा भाई के पास, क्योंकि मैं बार बार राजा भाई के पास क्यों आता हूं ये क्वेश्चन आप काफ़ी पूछते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ इस प्रकार का नया लेके आ जाते हैं जिनके लिए मेरे को यहाँ आना पड़ता है। तो सर आज मैंने देखा है कि आप पहली बार भारत में बैठ के चलाने वाला रोटावेटर लेके आए हैं, तो क्या सच है क्या है? बिल्कुल सच है। आज मैं ये हमारा जो R125 10 HP का है ये बैठ के कैसे चलाएगा वो आपको मैं लाइव डेमो देने वाला हूँ। इसको आप पैदल भी चला सकते हैं। बहुत सारे फार्मर भाई बोलते थे कि हमें थक जाते हैं या बहुत मुश्किल होता है, बुजुर्ग मेरे फार्मर हैं तो उनके लिए हमने ये सीट का डिवेलप कर दिया है जो बैठ के ये जुताई करेगा, और इसी फर्श पे जब कभी भी जुताई नहीं हुई है कैसे जुताई करेगा वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सर ये तो अभी लाइव डेमो में देख ही लेंगे। बिल्कुल जी। अब मुझे बताइए कि आखिर 10 HP में ही लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? अब देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है बहुत मिट्टी हार्ड है, काली मिट्टी है बहुत ऐसी, हिंदुस्तान में सभी जगह पे मिट्टी एक जैसी नहीं है, कई जगह पे बहुत हार्ड, कई जगह पे स्टोन भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो इसलिए उनके लिए हमने ये 10 HP का R125 मॉडल लॉन्च किया है। तो दिखने में तो पूरा ट्रैक्टर की तरह दिख रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार खोल के इसको दिखाया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए जो इसमें जो लगा हुआ है जो पेट्रोल टैंक है ये 5 लीटर का दिया गया है, हैवी सिलेंसर दिया गया है ताकि जो इसकी गर्मी से अपने धुआं निकलेगा तो प्रॉपर निकल सके, और स्पेशल एयर फिल्टर लगाया गया है ताकि जो मिट्टी खींचने के इसका जो नाक है ख़राब ना हो, इसकी गर्दन ख़राब ना हो, और इटालियन डिज़ाइन का इंजन है, और इसमें 2 किस्म के हमारे पास हैं, ये सेल्फ के साथ भी है विदाउट सेल्फ भी है, दोनों ही हमें इसमें मिल जाएंगे। दोनों ऑप्शन में दे रहे हैं जी 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 जी। तो राजा भाई अगर गियर की बात की जाए तो कितने गियर के साथ अपन इसको दे रहे हैं? देखिए इसमें 2 फॉरवर्ड गियर हैं, जैसे कि हमने ये क्लच दबाया और जो गियर आगे लग गया जी, ये देखिए ठीक है, ये देखिए जी, और जैसे हमने जब ये 1 गियर लगाया जी अभी न्यूट्रल हो गया जी, अभी 2nd गियर हो गया, 2 इसके फॉरवर्ड गियर हैं 1 रिवर्स गियर है। कई बार क्या होता है गुमराह करने के लिए फार्मर को बोल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल हुआ कई लोग बोल देते हैं ये भी गियर है, न्यूट्रल भाई गियर नहीं होता, 2 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर है। बिल्कुल कोई प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके हैंडल के बारे में और कुछ बताइए भाई साहब। ये इसका हैंडल काफ़ी लॉन्ग किया गया है, इसको आप कहीं से भी आप डील करके आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा जहाँ पे हमने किया, अगर आदमी फार्मर का कद नहीं है आप नीचे करके चलाइए, अगर फार्मर की हाइट ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर करके चला सकते हैं। अगर राजा भाई इसके हैंडल के बाद की बात की जाए तो एक तो ये टर्बो लिख रखा है और ये क्या टॉर्च लगा रहा है, कि इसका दोनों का क्या कारण है? ये टॉर्च का काम क्या है, ये एक तो इमरजेंसी लाइट का काम करेगा, जब रात को आप खेत में जाएंगे आप जहाँ से डिपर का काम भी कर सकते हैं है। ये एक है तो छोटा सा प्रोडक्ट, लेकिन इसके लिए ये फार्मर भाई बोलते हैं जैसे रात को सफ़र कर रहे हैं ट्रॉली चला रहे हैं तो आगे से गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आप इससे डिपर का उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, टेक्नोलॉजी है तो सस्ती सी चीज़, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे। और टर्बो का क्या मतलब है, इसका जो इंजन है 398 CC का है, 398 CC का है, इसका मतलब क्या होता है, सीसी का क्या मतलब, फार्मर भाई बोल देते कि सीसी कितने सीसी का, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है, मैं एक आपको एग्जांपल के जाऊंगा, जैसे कि पिस्टन, ये एक अपना सिलेंडर है पिस्टन, इसके अंदर ऐसे ऐसे चलता है, कई बार नीचे से सर्विस खाली रह जाता है, कई बार नीचे ऊपर से खाली रह जाता है, तो इसका जो फार्मूला है πr²h का मतलब हाइट कितना पिस्टन ऊपर गया, आर का मतलब क्या है इसका जो अंदर का रेडियस कितना है, ये प्रॉपर फार्मूला उससे सीसी निकल आता है। तो इसका मेन टर्बो का क्या मतलब है, जो हमने एयर फिल्टर लगाया गया है, जितना ज़्यादा सीसी होगा उतनी उसको सांस गहरी सांस लेनी पड़ेगी ताकि वो गहरी सांस प्रॉपर ले पाएगा, अगर फिल्टर सिंपल होगा टर्बो नहीं होगा तो गहरी सांस ही नहीं ले पाएगा और इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा जी। अब इसके मैं चाहता हूँ कि PTO भी इसके साथ ही मिल रहा है। बिल्कुल जी, ये हैवी PTO किया गया है, इसके साथ आप रिपर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये रिपर लगाया है, वाटर पंप लगा सकते हैं, स्प्रे पंप लगा सकते हैं, इसको जहाँ पे भी काफ़ी हैवी किया गया है ताकि अगर आपने इन जो है पीछे की अटैचमेंटें लगानी है तो अगर ये हैवी नहीं होगा तो भाई जल्दी ख़राब हो जाएगा।
आपने अटैचमेंट की बात की तो कितने अटैचमेंट हम इसके साथ लगा पाएंगे? देखिए इससे आप 35 से 40 अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। कोई भी फार्मर भाई हमसे मंगा सकता है। जो अटैचमेंट की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ वो काफ़ी सारी अटैचमेंट हैं, अलग अलग कारें हैं। और मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा वही अटैचमेंट खरीदिए जिसकी ज़रूरत है, फालतू में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जहाँ पर धान होता है वहाँ पर पडलर की ज़रूरत है, जहाँ पर आपने आलू करने हैं वहाँ पर पोटैटो डिगर की ज़रूरत है। बिल्कुल भाई वही लीजिए जहाँ पर ज़रूरत है, जब फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट तो मैं जब भी आता हूँ 2-5 अटैचमेंट आप बढ़ा ही देते हैं, लेकिन मेरे फार्मर भाई ही करवाते हैं। फार्मर भाई बोल देते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वैसे ही हम कर देते हैं भाई साहब जी। अगर राजा भाई टायर की बात की जाए तो जो दूसरे टीलर के साथ हमने जो टायर देखे और इन टायरों की बात की जाए, काफी बड़े टायर जैसे भाई साहब देखे कार के टायर के साथ भाई साहब रेडियल के टायर लगाए गए हैं क्योंकि इंजन काफी हैवी है। 10 HP का टर्बो में ले रहे हैं, अगर टायर ही नहीं मजबूत होंगे, गाड़ी का नीचे का बेस ही नहीं अच्छा होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए स्पेशल टायर रेडियल के टायर का ही डिजाइन किया गया है ताकि प्रॉपर जो गाड़ी है प्रॉपर सही सलामत चल सके। तो राजा भाई जैसे कि अभी वो तो अपन टीलर देखा, इस पे रिपर लगा रखी, सेम इंजन पे ही है, सेम मॉडल पे ही रिपर है? बिल्कुल सेम मॉडल पे, RX125 मॉडल पे ही रिपर लगाया है। वैसे तो हमारा रिपर छोटे HP पे भी चल जाता था, ये 10 HP का कोई मेन रीज़न था। कई फार्मर किराए का काम करते हैं, बहुत सारे कई तो पर्सनल काम करते हैं, उनके 4-5 acres होते हैं तो काम किया छोटे से भी चल जाता था। कई फार्मर भाइयों ने स्पेशल किराए का काम करना होता है, 2 पैसे भी कमाने होते हैं, उनके लिए हम ये RX125 रिकमेंड करेंगे कि इसको लिए आप जितना मर्जी काम करिए। दोस्तों वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि राजा भाई के यहाँ बहुत दूर दूर से फार्मर भाई आते रहते हैं, चाहे तो वो मशीन अपने यहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आखिर वो राजा भाई की यहाँ आके ही क्यों खरीदना पसंद करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले इस फार्मर भाई से बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए और क्या प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा। नमस्कार भाई। नमस्कार, थोड़ा नाम बता दें। मेरा नाम मधु है। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से हम आए हैं। उड़ीसा में कोई डिस्ट्रिक्ट पूरा एड्रेस बता दो। सुंदरगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट आए हैं जी। आए हैं हम। क्या खरीदने आए हैं? हम एक रोटावेटर खरीदने आए थे जी। कोई खरीदा पसंद? हमने पसंद किया, खरीद भी लिया, वो डिस्पैच भी हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आप निकलेंगे यहाँ से? अब हम तो निकलेंगे। ठीक है, कुछ देख रहे हैं और ट्राली लेने के लिए सोच रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आखिर यहाँ और भी कहीं मिल रहा होगा हिंदुस्तान में, यहाँ राजा भाई के यहाँ आने की क्यों सूझी? हम यहाँ इसलिए सोचे हैं कि राजा भाई देखें कि राजा भाई वारंटी गारंटी का बात करता है, इसलिए हम सोचे कि एक बार जाके आते हैं कि सच है या नहीं है, इसे सोच के हम आए थे। तो आके देखें तो सच है सब। बिल्कुल, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आके, राजा भाई को देख के भी अच्छा लगा। ठीक वो है। तो वीडियो में हम देखते हैं ऐसे भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, वीडियो में देखने में और सामने देखने में थोड़ा फर्क तो रहता है। फर्क रहता है, लेकिन उतना भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही जो देखे थे वही है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों बात क्वालिटी की होती है, क्वालिटी है, विश्वास है, वहाँ लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं। बाकी आपने ऐसी बहुत सी कंपनियाँ देखी होगी जो गारंटी वारंटी की बात तो कर लेते हैं, क्वालिटी की बात कर लेते हैं, लेकिन जब सर्विस की बात आती तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। शायद राजा भाई ये नहीं करते हैं, इसीलिए आज इतना सक्सेस। हमेशा बोलता हूँ, हमेशा गारंटी देता हूँ, वारंटी देता ही नहीं हूँ। गारंटी का बड़ा मतलब होता है, गारंटी का मतलब होता है चेंज करना, चेंज करके देता हूँ। शर्त ये है, आपने बिल का फोटो और जो आपका मशीन का खराब हो गया, आपकी गलती से खराब हो गया, उसका फोटो भेज देना, आपको फ़ोन करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में मेरा वादा है कंपनी से निकल जाएगा। बिल्कुल, मैं गारंटी वारंटी का क्वेश्चन बाद में करने वाला, आपने अभी बता दिया। नहीं नहीं, आपने बात बोल दिया तो मैंने, मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं पूरा ही कर दूं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों वापस रिपर की तरफ चलते हैं, रिपर के बारे में और भी कुछ कमाल की जानकारी आपको देते हैं। तो सर आपने राजा भाई टीलर पे रिपर लगाई है, तो इसको टर्न कैसे करवाएंगे? टर्न करवाने में तो समस्या आ जाती होगी ना? बिल्कुल भाई साहब, आपने ये सही कहा कि टर्न करने में काफ़ी समस्या होती थी, इसलिए हमने ये इजी टर्न लगा दिया है। इस इजी टर्न से क्या मतलब, एक तरीके का जो डिफरेंशियल गियर का काम करता है। अच्छा, डिफरेंशियल की तरह काम करेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कैसे मर्जी इसको लेफ्ट राइट करके आप घुमा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अभी इसमें भी डिफरेंशियल ये वाला फिट किया है, ये कैसे चलता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये हमने चक्का घुमा रहा हूँ, ये देखिए सिंगल चक्का घूम रहा है और ये रुका हुआ है, ये देखिए जी। अच्छा, इजी टर्न का ये काम है तो खेत में आराम से टर्न हो जाएगा, एक चक्का रुक जाएगा दूसरा चक्का घूम जाएगा, तो आप इजी टर्न कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है जी। ये देखिए, ये दोनों चक्के घूम रहे हैं, ये देखिए जी। जी जी, उसमें इजी टर्न लगा, उसमें नहीं घूम रहा लगाया? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो राजा भाई आपने मशीनें तो पहले भी भेज दी है, अब जिनमें इजी टर्न नहीं लगा था
उनका क्या करें भाई साहब, वो भी हमारे जो पुराने मेरे फार्मर हैं, अगर पुराने फार्मर जिन्होंने हमसे मशीनें खरीदी या किसी और से भी ली हैं, कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए या कोई भी इनमें से टीलिंग अटैचमेंट चाहिए या इजी टर्न चाहिए, वो हम उनको भी प्रोवाइड कर देंगे। इसकी हमने कंपनी ने मात्र कीमत 2,000 रुपया एक्स्ट्रा रखी है। फार्मर भाई ने हमें बता देना है कि इजी टर्न चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भाई वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पहले मशीन खरीद लिया, वो सोचेंगे यार हमें तो मिला नहीं था, वो दिक्कत हो जाती है। ये मेरे फार्मर भाइयों ने ही बताया कि पहले ट्रॉली भी हमने बहुत सारी बेची हैं तो उनको टर्न करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो एक फार्मर ने मुझे वीडियो भेजा, भाई ये टर्न नहीं हो रहा, तो उसकी पहले मैं बात नहीं समझा उनकी भी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब लेफ्ट राइट करते थे तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने पूरे अपने स्टाफ को बताया कि ये फार्मर ऐसे बोल रहा है, तो हमने इसका फिर डिज़ाइन किया प्रॉपर। इसको 6 महीने लगे ये डिज़ाइन करते करते, कैसे ये टर्न हो जाएगा। रिपर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, अब ये ईजी टर्न के कारण ये वो प्रॉपर ईजी लेफ्ट राइट आसानी से हो सकेगा। तो राजा भाई, जैसे आपने टीलर तो बहुत ही बढ़िया लेके आए, ट्रॉली के साथ बैठ के चलाने दिल खुश हो गया, मजा भी आ गया। अब फार्मर भाइयों को ना तो पसीना आएगा ना ही थकावट महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बता दो इनकी प्राइस क्या है। देखिए प्राइस हमने बड़ी अच्छी रखी है, जो हमारा जो टर्बो के साथ सेल्फ के साथ है, इसका जो प्राइस है वो 75,000 है। अगर सेल्फ नहीं लेनी है उसका 5,000 रुपया हम लेस कर देंगे, तो 70,000 रुपये का है। उसमें हम क्या देंगे, देंगे ये रूटरी साथ में देंगे, और जो ये 4 अटैचमेंट है जैसे कल्टीवेटर, साइड प्लाव, डबल प्लाव और लेवल है, इन चारों में से 2 अटैचमेंट फ्री देंगे। अगर सीट के साथ है, सीट का अलग से 15,000 रुपया है, मतलब कि अगर सेल्फ वाला और वो हो गया 75 + 15 90,000 रुपये का ये कॉम्बो पैक हो गया। अगर किसी ने हमसे ये पूरा कंप्लीट कॉम्बो पैक लेना है तो उसको हम 5,000 स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे, तो हम ये कॉम्बो पैक 85,000 रुपये का देंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है राजा भाई और भी कम दे रहे हो आप। कुछ नई मशीन है, नई मशीन लॉन्च करिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई जो वीडियो देख के आपसे कोई मशीन लेने आए तो उनके लिए और भी कुछ दें आप। देखिए आज तक हिंदुस्तान में मैंने किसी को निराश नहीं किया भाई साहब, ना ही आपने बोल दिया तो आपको भी मैं निराश नहीं करूंगा। जो भी हमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा तो उसको और एक्स्ट्रा 5,000 रुपया स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। और मतलब कि अब ये वो जो हमारा जो सेल्फ के रहेगा वो 70,000 का रहेगा, जो बिना सेल्फ के रहेगा वो 65,000 रुपया रहेगा। इसमें इजी टर्न इंक्लूड नहीं है, उसका 2,000 रुपया तो लग गई है। और साथ में ये बैटरी हम नहीं देते क्योंकि बैटरी रस्ते में टूट जाती है, मात्र मार्केट से 800-900 की बैटरी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्काउंट देके तो हमारे किसान भाइयों को आपने दिल खुश कर दिया। मेरे फार्मर भाई हैं, मेरे फार्मर भाइयों ने यह कंपनी को कहां से कहां आसमान में पहुंचा दिया, तो भाई साहब मैं उनके लिए नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि अगर कोई फार्मर भाई आपसे मशीन खरीदना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, कैसे खरीदना है भाई साहब? हम अपना कंपनी का करंट अकाउंट भेजेंगे, उन्होंने मात्र 5,000 रुपया डलवाना है, चाहे कुछ भी लेना है, जो चाहे कितनी भी अटैचमेंट लेनी है, ज़्यादा डलवाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी का करंट अकाउंट दिया जाएगा उसमें डलवाना है, और अपना एड्रेस पूरा इंग्लिश में लिख के भेज देना है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आधार कार्ड का फोटो भेज देते हैं, तो जब मशीन उनके राज्य में लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तब बाकी का पैसा उन्होंने अकाउंट में या डिलीवरी वाले को कैश दे सकते हैं। जैसा मेरे फार्मर भाई के बोल करेंगे वो ऐसे कर सकते हैं। तो आपने अकाउंट नंबर की तो बात कर ली, लेकिन आजकल क्या डिजिटल का स्कैनर का ज़माना आ गया, लोग गूगल पे फोन पे इस तरह करना चाहते, कुछ इस तरह की फैसिलिटी दो ना किसान भाई, क्योंकि अकाउंट में जाना आरटीजीएस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोला, आजकल बैंकों में बहुत लंबी कतार लगी हुई है, समय की हर कोई बचत करना चाहता है। अगर कोई फोन पे से या गूगल पे से भी करवाना चाहते हैं, हम फार्मर भाई को भेज देंगे गूगल पे फोन पे, वो उस पे अब वो फार्मर भाई डलवा सकते हैं। करंट अकाउंट में बिल्कुल आएगा, करंट अकाउंट में ही आ जाएगा, वो घबराने की जरूरत नहीं। जो हमारे इससे जो भी हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं उससे जो भी गूगल पे का नंबर आएगा उस पे आपने पैसे ट्रांसफर कर देने, तो कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है जी। तो राजा भाई बहुत बढ़िया लेके आए आप अटैचमेंट, रोटावेटर पे ट्रॉली, मज़ा आ गया देख के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, लाते जाते मैं यही बोलूँगा, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।